रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 47 के बाशिंदे पिछले 10 सालों से घटिया सड़क की वजह से परेशान हैं। इन 10 सालों में दो बार छत्तीसगढ़ की सरकार जरूर बदल गई, लेकिन इनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 47 गोवर्धनपुर मार्ग में खराब सड़क की वजह से अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बार बार चक्का जाम और आंदोलन करने के बाद भी जिला प्रशासन इन सड़क को बना पाने में अब तक नाकाम रहा। यहाँ के वार्ड पार्षद का कहना है कि निगम चुनाव के पहले अगर यहाँ की तस्वीर नहीं बदली तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बदहाल सड़क को बनाने के लिए संघर्ष करते इस वार्ड के लोगों को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इस रोड की हालत अब तक नहीं सुधर पाई है। जिला प्रशासन ने बीते 10 वर्षों से इस रोड को बनाने के लिए, इस रोड को सुधारने के लिए किसी प्रकार का कोई योजना नहीं बनाया और इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि सरकार बदलते ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अभी 80 लाख रुपए इस रोड को बनाने के लिए सेंक्शन किए हैं। हालांकि ये अभी कहा नहीं जा सकता कि ये रोड कब तक बन पाएगी। अपनी सहयोगी दुर्गा यादव के साथ आलोक पांडे, ANB न्यूज़, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आपके वार्ड में ऐश्वर्यमपुरम वाली जो रोड है ये काफ़ी बदहाल हो चुकी है, और इस रोड के लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कम हमारा जो वार्डों में मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको कम से कम जानकारी मिल जाएगी। वो ऐश्वर्यम कॉलोनी की रोड जो है बहुत सालों से वहां बदहाली हालत है, और जब से मैं बना हूं तब से वो बदहाली हालत है। उससे और पहले भी, जब से नगर निगम में जुड़ा है तब से वो रोड बनने का नाम नहीं ले रहा है, और मेरे द्वारा जो है कलेक्टर सर को, SDM सर को, तहसीलदार अपना आयुक्त सर को, SP सर को अपन आवेदन दे चुके हैं कि वो रोड जो है बहुत गंभीर स्थिति में है, वो चलने लायक नहीं है। और उसमें ऐश्वर्यम कॉलोनी में जो बसें वासिंदे हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, स्कूल जाने में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें एक्सीडेंट का जो घटना है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी वहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ था क्या बीच में? हाँ, अभी बीच में कई वहाँ एक्सीडेंट हो गया ना, एक तमनार साइट का लड़का वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जानकारी में आया था कि वो मौके पर ही मौत हो गया था वो। और भी दो लोगों का मौत हुआ? हाँ, और भी दो लोगों का उस जानकारी में आया था जी। और जो है वहाँ रेलम पेल ट्रकें जो है बहुत बड़े बड़े भारी वाहन चलती है, अभी भी वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था कि SP साहब के पास हम जाएंगे और इसमें नो एंट्री लगना चाहिए, ऐसे करके जो है वहाँ के बाशिंदे मेरे को फोन करके बुक बताया। कलेक्टर, SP और तमाम प्रशासन को जो आपने आवेदन दिया है रोड बनाने के लिए अभी तक, उसमें क्या कहना है उनका और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? उसमें कार्रवाई के तौर पर सिर्फ आश्वासन ही हमको मिलता है कि रोड बन जाएगा करके, लेकिन अब तक उसमें आश्वासन तो क्या, उसमें थोड़ा एक ट्रिप मुरुम भी नहीं डला है, और जितना बड़ा गड्ढा है आप जाके देखेंगे तो अपने आप को शर्म आती है, उसमें इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। अब 6 माह बच गए हैं चुनाव में, नगर निगम का चुनाव फिर से होने वाला है, ऐसे में बड़ा मुद्दा है कि आपके वार्ड की सड़क नहीं बन पाई है, क्योंकि अभी सरकार भी छत्तीसगढ़ में आप लोगों की है, तो किस नज़रिए से देखते हैं हम इसमें, इसको कैसे आप बनवाएंगे फिर से? इसमें अभी तो अपन फिर उसमें मुद्दा लगाएंगे कि उसमें आप रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करने की मोहल्ले वालों से बातचीत करके अगर रोड नहीं बनाती है सरकार तो वहाँ चक्का जाम करना है। समस्या भी आप लोग की सड़क की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है? हाँ, हम लोग कम से कम 10 साल से काफ़ी परेशान हो रहा है, कम से कम कलेक्टर साहब से, SP साहब से, विधायक जी से हजारों बार मिल चुका है, आज तक हमारा रोड का कुछ नहीं हुआ नहीं है। अभी हम 1 महीना पहले OP चौधरी साहब से मिला है, माननीय वित्त मंत्री जी से, वो अभी हम लोग को आश्वासन दिया है आपका रोड मैं पक्का बनवा दूंगा बोल के। अभी बीच में हमको पता चला है अधो संरक्षण मत से इस रोड का पास हुआ बोल के है,
पास हुआ बोल के पता है, बाकी कब बनेगा क्या बनेगा हमको आज तक पता नहीं है। इसका जानकारी हमको मिला नहीं है। और इसमें और एक बात है, बच्चे स्कूल जाने के समय इतना ट्रक खड़ा हो जाती है रोड का परेशानी से, बच्चे स्कूल जाने के भी बहुत तकलीफ हो रहा है, बाइक जाने के भी बहुत तकलीफ है। इसलिए हम एक बार और ओपी चौधरी साहब का हमारा निवेदन है, इस रोड को जल्दी से जल्दी बना सके, हम लोग हमारा बच्चा स्कूल